हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ निधि और निधि किचन में आप सभी लोगों का मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज मैं मेरे हर वो एक सब्सक्राइबर को बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आज हमारी 500 की जो फैमिली है वो कंप्लीट हुई है, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ती हूँ कि आप लोग इसी तरीके से मुझे और भी ज़्यादा प्यार और अपना सपोर्ट देंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पे देखिए, मैं बनाने जा रही हूँ आज बेबी कॉर्न की सब्ज़ी, जो काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है खाने में। आपको ये बेबी कॉर्न इस तरीके से मार्केट में ईजीली मिल जाएगा। ये नॉर्मल जो सब्जियां बेचते हैं ना, वो लोग भी रखते हैं, नहीं तो आप कहीं डीमार्ट या जो भी स्टोर हो आपके पास में वहां से आप ले सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले हमें लेना है कोई बर्तन, कढ़ाई पैन, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। उसके बाद हमें उसमें गरम करना है ऑयल अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने यहाँ पर आपको दिखाया कि खड़ा मसाला डालेंगे थोड़ा सा, जैसे लौंग, थोड़ी सी एक दो इलायची, तेज पत्ते, थोड़ा सा ज़ीरा डालेंगे बहुत अच्छा सा एक फ्लेवर आने के लिए, दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ों को थोड़ा सा सॉटे कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए मैंने 2-3 काली मिर्च भी डाली है। अगर आपको नहीं पसंद कि खड़े मसाले दांत के नीचे आए तो आप इसको निकाल भी सकते हो फ्लेवर आने के बाद। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने बस सॉटे कर लिया और उसके बाद अब मैंने इसमें डाला है प्याज और हरी मिर्च। तो यहाँ पे देखिए हरी मिर्च मैंने मेरे तीखे के हिसाब से ली है, मैंने यहाँ पे 5-6 हरी मिर्च ली है, उसे बारीक चॉप कर लिया था। ऑनियन को भी मैंने बारीक चॉप कर लिया था, बहुत ज़्यादा नहीं है, मीडियम चॉप है। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम भून लेंगे। प्याज को अच्छा सा एक कलर आने देंगे, ब्राउन कलर हो जाएगा थोड़ा सा, तब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं घर पे ही बना के रखती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी भी जाननी है तो मेरे चैनल पे है ऑलरेडी, मैं लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप वहां से चेक कर सकते हो। और अदरक लहसुन का पेस्ट घर में रखने से बहुत इजी हो जाता है खाना बनाना, तो मैं हमेशा ही रखती हूं, जैसे ही ख़त्म होने वाला रहता है वैसे ही बना के फिर से रख देती हूं। तो यहां पे देखिए, और अगर आप घर का यूज़ करेंगे ना तो उससे फ्लेवर जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। और यहां पे देखिए अब हम कुछ ड्राई स्पाइसेस डालेंगे। तो यहां पे मैंने लिया है 1/2 चम्मच के करीब हल्दी, बिल्कुल 1/2 चम्मच के करीब मैंने लाल मिर्च लिया है, 1/2 से थोड़ा सा कम लिया है। और यहाँ पे डाला है, देखो मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही छोटा चम्मच है। और यहाँ पे हम डालेंगे बिल्कुल छोटा चम्मच से 1 चम्मच गरम मसाला। और यहाँ पे 1 चम्मच भर के मैंने धनिया पाउडर डाला है। अगेन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि चम्मच जो है वो आप देख सकते हो कि जो मसालदानी रहती है या कोई भी ऐसे छोटे से चम्मच होते हैं ना, जो बहुत ही छोटे होते हैं, उस तरीके के मैंने चम्मच लिए हैं। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डाला है जीरा भुना पाउडर, तो यहाँ पे जीरा पाउडर भी मैं बना के रखती हूँ। थोड़ा सा मैंने डाला है काली मिर्च का पाउडर, जिससे कि हमारा जो बेबी कॉर्न जो होता है ना वो थोड़ा सा स्वीट होता है, तो आप ये सारे मसाले डाल के जब बनाएंगे ना तो बहुत ही बेहतरीन बनता है। और यहाँ पे मैंने डाला है, यहाँ पे 1/2 चम्मच के करीब मैंने डाला है दालचीनी का पाउडर। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने ऐड कर लिया है और अब हम इन सारी चीज़ों को ड्राई ही इसमें मिक्स कर लेंगे, 2 मिनट इसे हम भूनेंगे। और ये देखिए मैंने इस तरीके से, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने बेबी कॉर्न को कट किए हैं, आप चाहें तो इसे बड़े बड़े भी कट कर सकते हो, बिल्कुल आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, आप बेबी कॉर्न को थोड़ी देर के लिए पानी में बॉईल कर लीजिए। अगर आपके पास आपको बहुत जल्दी बनाना है, तो मेरे पास टाइम था तो मैंने वो ग्रेवी के साथ ही उसे पका लिया था। तो यहाँ पे देखिए ड्राई स्पाइसेस को हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर का पेस्ट। तो यहाँ पे देखिए मसालों को भुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मसाले बहुत अच्छी तरीके से तेल छोड़ दें, उसके बाद ही हमें इसमें पाउडर ऐड करना होता है। तो यहाँ पे मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं मसाले भूनती हूँ तभी मैं डाल देती हूँ उसमें नमक। तो जी हाँ, नमक को अच्छी तरीके से मिक्स कर लीजिए और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिए। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच डाला है। और यहाँ पे देखिए मैंने 2 टमाटर लिए थे जिसको मैंने अच्छे तरीके से पेस्ट कर लिया था, और यहाँ पे उसी को मिक्सी को थोड़ा सा क्लीन किया है, पानी डाला है और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मसाले को बहुत अच्छे तरीके से हम पकने देंगे। अगर आप फ्रोज़न मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लास्ट में करिएगा, लास्ट में डालिएगा उसे। मैं यहाँ पे फ्रेश मटर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ठंडियों के मौसम में तो काफ़ी हरी हरी सब्ज़ियाँ, काफ़ी ताज़ी सब्ज़ियाँ फ्रेश मिलती है, तो जब नहीं मिलता है तब फ्रोज़न का इस्तेमाल करिए, और जब मिल रहा है फ्रेश तो फ्रेश का इस्तेमाल करिए, बड़ा मज़ा आता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मैंने। अब मैं इसे
कवर करके अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मसालों को रेडी करूँगी, भूनूंगी। और यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो कि ग्रेवी का कलर, ये देखो 5 मिनट बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ वीडियो, ये देखिए तेल, आप देख सकते हो कि 5 मिनट में ही काफ़ी अच्छी तरीके से तेल जो है वो ऊपर आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि हमने जो ड्राई स्पाइसेस है ना उनको ऑयल में अच्छे तरीके से प्याज के साथ भूना था, जिसकी वजह से हमें बहुत कम मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि आप भी प्याज के बाद ड्राई स्पाइसेस डालिए, ताकि जो मसाले होते हैं ना सूखे वो बहुत अच्छी तरीके से भुन जाएं। ये देखिए फिर से पाँच मिनट का ही गैप रखती हूँ मसालों को भून भून के, मतलब उसका कवर हटा के फिर उसे देख लेती हूँ कि कहीं मसाले नीचे चिपक तो नहीं रहे हैं, तो बस इसी तरीके से। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे फिर से कवर कर दिया था, और ये देखिए अगेन बहुत अच्छा लग रहा है, और मसाले जो है वो क्वांटिटी में कम होते जाते हैं, जैसे ही वो भूनते जाते हैं वैसे ही उनकी क्वांटिटी जो होती है वो कम होती जाती है। और यहाँ पे आप कलर तो देख ही सकते हो कि कितना बेहतरीन, कितना लाजवाब लग रहा है। और यहाँ पे मैंने अभी बेबी कॉर्न को इसमें मिक्स कर दिया है, और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप प्लीज़ अलग से बेबी कॉर्न को बॉईल करिए 10 मिनट के लिए, उसे पानी में अच्छे तरीके से पकने दीजिए, तो आपको ग्रेवी में कम पकाना होगा, बस आप पानी उसका निकाल दीजिए और उसके बाद आप इसमें ऐड कर दीजिए सब्जी में। तो यहाँ पे देखिए बहुत अच्छी तरीके से सब्जियों को मैं भून रही हूँ, जब तक कि अच्छे तरीके से फ्लेवर जो है वो बेबी कॉर्न के अंदर मसालों में आ नहीं जाता, तब तक हमें इसे भून के रेडी करना है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पानी डालेंगे, आपको बहुत ज़्यादा ग्रेवी बनानी है तो आप थोड़ा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं, अगर आपको ऐसे ही काफ़ी अच्छे तरीके से मिक्स आपस में ही सब मिले हुए हो, बेबी कॉर्न और मटर और ग्रेवी, तो आप पानी थोड़ा कम ऐड करिए। तो यहाँ पे देखिए 5 से 7 मिनट हो गए थे, और यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे अभी हम इसे पकाएंगे। करीब मैंने 10 मिनट तक अच्छे तरीके से पानी डालने के बाद इसे कुक किया, और बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है, आप ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और आपको मैं दिखा रही हूँ थोड़ा सा स्लो करके वीडियो की, आप देखिए कितनी अच्छी सब्जी हमारी बन रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाया है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और मैंने जो भी मसाले ऐड किए हैं वो हर एक घर में होता है, और वो हर एक घर में आपको इजीली मिल जाता है, मैंने इसीलिए इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने ये रेसिपी को बनाया है, ताकि आपको बहुत ही अच्छा सा रिज़ल्ट मिले। ये देखिए मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि जो कसूरी मेथी है ना, उसको हाथों पे इस तरीके से थोड़ा सा क्रश करके जब आप डालते हैं ना, तो कसूरी मेथी बहुत अच्छी तरीके से एक पाउडर फॉर्म में बन जाती है, और जिससे कि सब्जी में आपको बिल्कुल भी खाने के बाद बिल्कुल भी पता नहीं चलता है, और बहुत अच्छी तरीके से ये मसालों के साथ ही मिक्स हो जाती है, और कसूरी मेथी का ही अपना एक अलग ही टेस्ट होता है, अलग ही फ्लेवर होता है। तो आप उसे ज़रूर ऐड करिए, आपको पसंद आएगा, आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। और हाँ, अगर आपको यहाँ पर ऐड करना है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा स्वीटनेस के लिए आप 1 चम्मच मलाई डाल दीजिए, फ्रेश अमूल की मलाई डाल दीजिए, या घर की फ्रेश मलाई को बस अच्छी तरीके से फेंट के उसको इसमें ऐड करिए, तभी भी बहुत अच्छा लगेगा। और आपके घर पे अगर कोई मेहमान आए हैं तो उस तरीके से आप डेकोरेट करके बहुत अच्छी तरीके से आप प्रेजेंट कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, सभी को बहुत पसंद आएगा। तो बहुत ही मज़े की बने थे ये बेबी कॉर्न की सब्जी, आप ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, मैं जितना भी थैंक यू बोलूँ उतना कम है, मैं आज बहुत खुश हूँ कि हमारी 500 की जो फैमिली है वो कंप्लीट हो गई है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बहुत जल्दी हमारी 1000 के की फैमिली जब कंप्लीट हो जाएगी तो फिर कुछ एक अच्छा सा कुछ तो सेलिब्रेशन बनता है, तो बस उसी उम्मीद के साथ हर एक वीडियो को पोस्ट करूंगी। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे बस मज़े करिए इस रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा। तो आपको फिर मिलूँगी मैं एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, इन्जॉय करिए इस रेसिपी।